भीष्म घर में बड़े हुए तो महाराज शांतनु कुछ उदास रहने लगे। ध्यान देना, भीष्म ने पूछा तुम उदास क्यों रहते हो? शांतनु ने कहा कि एक मछुआरे की बेटी है जिसका नाम सत्यवती है, मैं उससे बेहद प्रेम करता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। भीष्म ने सत्यवती से जाके कहा कि तुम महाराज के साथ में विवाह क्यों नहीं कर लेती हो? सत्यवती ने खुले शब्दों में कहा, राजाओं के नियम होते हैं कि जो घर में बड़ा बेटा होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। महाराज के बड़े बेटा तुम हो, राजपाट सब तुम्हें दिया जाएगा, मेरे संतान पैदा होगी उसको क्या देंगे महाराज? तो भीष्म ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं कभी अपनी जीवन में प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि मैं कभी अपनी जीवन में शादी नहीं करूंगा, हमेशा स्त्री सुख से दूर रहूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। तो बड़े धूमधाम के साथ में महाराज शांतनु का विवाह, दूसरा विवाह सत्यवती के साथ में हुआ। ध्यान देना, सत्यवती के गर्भ से दो बालक पैदा हुए, एक का नाम चित्रांगद, दूसरे का नाम विचित्रवीर। दोनों बालक शादी के योग्य हो गए। एक काशी नरेश के यहाँ जिनकी तीन कन्याएं थी, अंबा, अंबे और अंबालिका। राजा ने अपने यहाँ स्वयंवर रखा, बड़ी बड़ी दूर तक पत्र भिजवाया शादी का। एक पत्र सत्यवती के पास में आया। ध्यान देना, सत्यवती ने भीष्म से कहा, बेटा चले जाओ, तीन तीन कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर देकर आई। भीष्म ने रथ लिया और स्वयंवर में पहुंचे। तीनों कन्याएं जयमाला लेकर बाहर निकल कर आई हैं। तो याद रखना, भीष्म ने रथ को उठाकर आगे खड़ा किया, तीनों कन्याओं का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती तीनों को रथ में बिठाया। राजा महाराजाओं ने देखा, ये हो क्या रहा है? अरे स्वयंवर देखने तो हम भी आए थे, लेकिन ये तो बिना कुछ कहे तीनों को लिए जा रहा है। सारे राजा भीष्म के ऊपर टूट पड़े, सारे राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं को लाके घर पे खड़ा कर दिया। ध्यान देना, माता सत्यवती के कहने के आधार पर अंबा का विवाह चित्रांगद के साथ में संपन्न किया, अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ में संपन्न किया। अब एक कन्या बची जिसका नाम था अंबे, उसने भीष्म से कहा, तुमने अपने भाइयों का विवाह कर दिया, मेरी बहनों की शादी हो गई, अब शादी के लिए मैं बची हूँ और आप बचे हो, तो शादी आप मेरे साथ कर लीजिए। भीष्म ने हाथ जोड़ के कहा, माफ कर देना, शादी करने की बात कर, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अंबे बोली, काय को झूठ बोल रहे हो, अगर शादी ना करते तो मुझे स्वयंवर से लेकर थोड़ी ना आते। भीष्म बोले, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने बहुत पहले संकल्प किया है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। अंबे ने विचार किया कि शादी तो हो नहीं रही है, पिताजी के घर लौट के हम जा भी नहीं सकते हैं, तो अंबे ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ध्यान देना, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मनसा पाप लगने के कारण चित्रांगद और विचित्रवीर की, इन दोनों की मृत्यु हो गई, घर में दोनों बहुएं विधवा हो गई, अभी तक कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। तो माता सत्यवती ने वेद व्यास जी को बुलाया, सारा हाल बताया, तो वेद व्यास जी ने कहा, अगर आपकी दोनों बहू मेरे सामने से अगर नग्न अवस्था में निकल जाएं, तो संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर आया अंबा का। अंबा ने आंखों से पट्टी बांधी, व्यास जी के आगे से निकलती है, तो अंबा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। शायद आपने सुना होगा, धृतराष्ट्र जो थे ये जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि इनकी माँ आंखों से पट्टी को बांधकर निकली थी। तो अंबा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ
और उसके बाद में अम्बालिका सारे शरीर से मिट्टी लपेटी है, वेद व्यास जी के आगे से निकलती है, तो अम्बालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ में हुआ, पांडु का विवाह कुंती के साथ में हुआ। इनकी दो पत्नी थी, कुंती और माधुरी। धृतराष्ट्र के यहाँ गांधारी के द्वारा 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम था दुर्योधन। और पांडु के यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पुत्र पैदा हुए। अब आइए ध्यान दें, किस तरह से 5 पांडवों में वैर हुआ, कौरवों में पांडवों में किस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से पांडवों की जीत हुई, आइए महाभारत की पावन कथा आप लोग सुनिएगा। बोलिए गोविंद भगवान।